बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये तकरीबन इस वक्त 12:15 हो गए हैं जी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, मक्का अल-मुकर्रमा में जो वाक़यात पेश आ रखे हैं, यानी कि तूफ़ान किस्म की बारिशें, तूफ़ानी बारिशें, वो बस तूफ़ानी बारिशों से भी आप आगे का अंदाज़ा कर लें। आपके साथ मैं कुछ पिक्चर वगैरह कुछ या वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको उन बारिशों की जो सूरत हाल है उससे भी आपको अपडेट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो तमाम जो भाई मक्का में मौजूद हैं वो इसके मतलब बाखूबी जानते होंगे। अगर आपका कोई अजीज़ व अकारब इस वक्त उम्रा पर गया हुआ है या मक्का में मुकीम है तो फ़ोन करके उनका हाल अहवाल पूछ लीजिएगा। साथ में आपको एक अदर वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, ये बारिश की वीडियो है और ये तूफ़ान के बाद की बारिश की वीडियो है जो आप देख रखे हैं, यानी कि इसमें आपको बारिश तो बेशुमार दिखाई देगी। ऊपर अगर लाइट्स की तरफ कैमरा जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि लाइट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, सिंपल ऐसे ही जैसे लाइट से शावर निकल रहे हैं पानी के, ये सूरत हाल है। बहरहाल इसके जो बाद की वीडियो है जी वो आपको मैं दिखाना वो चाहूँगा जो कि मक्का के गली मोहल्लों की है। मक्का टावर पर जो बिजली गिरी है वो भी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ आगे। बहरहाल एक जो हाजियों ने दौड़े लगाई हैं और पीछे से बैरीगेट जो बैरियल वगैरह लगाए होते हैं वो उड़ उड़ कर आ रहे हैं हवा में, तूफान चल रहा है, तो वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं जी वो दिखा रहा हूँ मक्का की गलियों की। देख लें, गाड़ी बिल्कुल कश्तीनुमा पानी में तैर रही है जी, और पीछे इसके अगर आपने देखा हो इसी वीडियो के और पीछे कुछ खवातीन दीवार के साथ हाथ रख कर अपने घर को छोड़कर जा रही हैं। ये क्या मामला है मक्का की गली मोहल्लों के भी भाई, ये हालात हो चुके हैं। और जो ताज़ा तरीन वीडियोज आ रही हैं अभी तक की वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। सुबह तक यानी कि कल 2-4-6 घंटे के बाद मज़ीद पता चलेगा क्या मामला हैं। तो आगे अगर किसी वीडियो का जिक्र करें तो मैं आपको मक्का टावर की ही वीडियो दिखा देता हूँ मैं, जहाँ पर बिजली आप देख सकते हैं इस वीडियो में बिजली कैसे बिल्कुल आई है, लेकिन इससे कोई भी किसी किस्म का जानी नुकसान या मक्का टावर को नुकसान नहीं हुआ है, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। आपको पता है मक्का टावर के शायद इस तरफ मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ऊपर एक लगा हुआ है चांद, ऊपर वाली साइड पर चांद लगा हुआ है, तो वहीं पर बिजली आई है। वो ज़ाहरी सी बात है सुनहरी कलर का है और उसकी जो के वो चमकता है तो बिजली उसके ऊपर ही लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी किस्म का अभी तक नुकसान जानी या कोई भी किसी किस्म का नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मक्का टावर के ऊपर जो बिजली है जी उसकी वीडियो भी आपने देख ली है। लास्ट में आपको मैं वीडियो दिखाऊँगा जी जो हाजी हजरात हैं जिनकी दौड़ें लगी हैं जी, वो वीडियो आप साथ में अभी देख रखे हैं। ये तमाम हाजी हजरात हैं जो कि उमरा करके वापस जा रहे हैं या मक्का की यानी के हरम की तरफ जा रखे हैं, तो रस्ते में तूफ़ान की सूरत हाल देख रहे हैं बेचारे। पीछे से इतनी तेज़ भाई हवा है कि बंदे का खड़ा होना मुहाल है, और वो दौड़ कर जान बचा रहे हैं अपनी, और पीछे से जो बैरियर होते हैं, बैरियर बोल रहे हैं वो आप बैरीगेट बोल रहे हैं उनको, वो हवा में उड़ उड़ कर आ रखे हैं। साथ में आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ मैं, शायद ये फंदक आप बोल रहे हैं कि उमर फंदक उमर जहाँ पर अलबेक है वहाँ की वीडियो है जी, और उस तरफ से बनाई गई है यानी कि, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बारिश का जो सिचुएशन है। लेकिन ये जो बारिश की वीडियो है ये तूफ़ान आने के बाद की है, जब तूफ़ान आया बिजली मक्का टावर के ऊपर आई है उसके बाद तूफ़ान साथ में बारिश इतनी ज़्यादा, गली मोहल्लों के मतलब मैंने आपको अपडेट कर दिया जो गली मोहल्लों के हालात हैं। बाकी सुबह तक भाई जो भी इसके मतलब ताज़ा सूरत हाल आएंगी उनसे आपको अपडेट करता रहूँगा।